अरे मेरे दिल राज्य के हैं यार, क्या बात कर रहे हैं, बिहार के हो ना? अरे भैया 1.5 लाख रुपए का कबूतर ऐसे ही उड़ा दिया उसने। अरे भाई इतना तो हमने 15 अगस्त में कभी नहीं उड़ाया, कबूतरों की कोई फौज कहाँ से ले आए आप? डेली 100 उड़ाते थे, कौन सा संदेशा भेजते थे भाई, कहाँ भेजते थे? हाँ तुम तो सचमुच शांति दूत हो, कबूतर भी खाते हो आप, शाही लोग शाही ख्याल। हर रोज का 25 किलो चावल भी सर गाय को खिलाते हैं हर रोज। और ये 25 किलो चावल खिलाने का क्या फंडा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 4 Times News पर, मैं सत्येंद्र सिंह हूँ और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शातिर अपराधी की जिसने काले मोती के नाम पर हजारों महिलाओं के साथ करोड़ों की ठगी कर ली है। इसे दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया। डॉक्टर अभिषेक पल्लव जो कि SP हैं, उन्होंने उसकी क्लास ली और उसकी क्लास लेते वक्त उसके ऐसे ऐसे शौक उजागर हुए जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, मैं तो हूँ ही हैरान और वहाँ पर मौजूद मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मी भी उसे सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि इस तरीके से ठगी का पैसा जो उसने अच्छे कामों में लगाया उसे सुनकर हर कोई हैरान ही रह जाएगा। तुम जहाँ जाते हो एजेंट से तुम्हारी दोस्ती कैसे हो जाती है इतनी जल्दी? तुम्हारी पकड़ बहुत तगड़ी है, लगा कुछ गलती हुई? कबूतरबाजी क्या करता था बताओ, आप ही बताओ भाई। 1 लाख का तो कबूतर उड़ा दिया, 1.5 लाख रुपए का कबूतर ऐसे ही उड़ा दिया उसने। अरे भाई 1.5 लाख का कबूतर, इतना तो हमने 15 अगस्त में कभी नहीं उड़ाया, जितना तुमने उड़ा दिया एक बार में। ये कबूतरों की कोई फौज कहाँ से ले आए आप? स्टेशन रोड में दुकान है। स्टेशन रोड में दुकान है तो 1.5 लाख के कितने कबूतर आए? ऐसे डेली 100 के उड़ाते, डेली 100 उड़ाते थे, कौन सा संदेशा भेजते थे भाई, कहाँ भेजते थे? हाँ तुम तो सचमुच शांति दूत हो, डेली 100 कबूतर उड़ाते थे, कितने दिनों तक उड़ाते रहे? ज्यादा नहीं सर, 6-7 दिन। इसके बाद पुलिस का था क्या तुम्हारा? अरे भाई क्यों उड़ाते थे कबूतर? उड़ाते क्यों थे सर? उड़ाते क्यों थे? ये कबूतर उड़ाने का मन में कैसे आया? मन किया तो कबूतर उड़ा दिए, कभी मन करता तो और भी कुछ उड़ा देते तुम। तो कुछ दिमाग में आया होगा ना कबूतर उड़ाना है, कारण होगा ना कुछ, सपना आया या कुछ लगा उड़ाने से फायदा होगा? हाँ मन किया, तुम्हारा मन करेगा तुम आदमी उड़ा दोगे फिर तो। मन का कुछ कारण भी तो होना चाहिए यार, मन पे कंट्रोल भी तो करना होता है। मन तो मालूम है मुझे बड़ा विचलित मन है, लेकिन काबू भी करना पड़ता है मन पे। तुमने इतने डेली 100 उड़ाते थे, आसपास वाले पूछे नहीं इतने कबूतर क्यों उड़ा रहे हो? पूछते थे तो क्या बोलते थे आप? देखते तो उसकी उसको लेके जाते थे खाने के लिए तो बात। हाँ उसको लेके जाते थे खाने के लिए, कबूतर भी खाते हो आप? नहीं सर, हम वेजिटेरियन हैं। ओह वेजिटेरियन है, तो कौन खाता है उसे? दुकानों से खरीद के लेके जाते थे पैरालिसिस के पेशेंट। हाँ पैरालिसिस के पेशेंट दुकान से खरीद के लेके जाते थे। पैरालिसिस वाले तो कुछ इलाज समझ के ले जाते होंगे, आप क्या समझ के ले जाते थे भाई? वो तो काला कबूतर वहीं पे उड़ाते थे, दुकान पे ही से उड़ाते थे। दुकान से ही उड़ा देते थे। शाही लोग शाही ख्याल शाही। हर रोज का 25 किलो चावल भी सर गाय को खिलाता था हर रोज। क्यों भाई? और ये 25 किलो चावल खिलाने का क्या फंडा है? क्या हो गया, परेशान लग रहे हो यार तुम? जब ऐसा काम कर रहे थे तो सोचे नहीं थे कि गूगल पे देखे मुझे जानते भी हो, उसके बाद सीधा चैलेंज कर रहे हो पुलिस को? ये तो गलत बात है ना भाई। घर में क्या कौन क्या करता है? घर में कौन कौन है आपके? माता पिता। उनको बताए कबूतरबाजी और ये 6000 महिलाओं की कहानियाँ मोती की कहानियाँ सुनाया उनको? उनको पता था? देखो जिसको नहीं पता होगा सबको पता चल जाएगा। मोती किंग
और मोती क्वीन क्वीन नहीं है प्रिंस हाँ अरे मेरे राज्य के हैं यार क्या बात कर रहे हैं बिहार के हो ना अरे भैया इसीलिए दुरुस्त सुना जान पकड़ा गया तो बच जाएगा अरे मेरा नाम नहीं ये जानते थे क्या कि एसपी साहब बिहार के हैं अरे हमारा भाषा से ही समझ जाते तुम क्या बात कर रहे हो।